मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके प्रश्नों पर, क्योंकि बहुत से आपके प्रश्न आ रहे थे, व्हाट्सएप आ रहा था, कॉल आप लोग कर रहे थे कि गुरुजी कौन कौन सी साधनाएं उसमें करवाई जाएंगी आपके आश्रम में और कैंप कब से लग रहा है, उसमें जो साधनाएं हमें करवाई जाएंगी किस तरह की होंगी, उनमें क्या क्या हमें सिखाया जाएगा, क्या किस तरह से हम अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि हमें कौन कौन सी साधनाएं वहाँ पे बताई जाएंगी इस कैंप में, इसके अलावा अपनी उन शक्तियों में किस किस तरह के हम प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं अपने टॉपिक के बारे में। देखिए, जो कैंप हमारे यहाँ लग रहा है राजस्थान में जो हमारा आश्रम है, मित्र का आश्रम है, वहाँ पर जो कैंप लगाया जा रहा है, उस कैंप में आपको मानसिक रूप से, मतलब साक्षात प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि आपको नहीं मिलेगी। कोई भी सिद्धि इतनी आसान नहीं होती है कि आप उठे और पहली बार में ही बैठे और आपकी साधना सफल हो गई, साक्षात रूप में आपको देवी ने दर्शन दे दिया। चूँकि हम वहाँ पर आपको चौमुखी कालिका जैसी शक्तियों का भी, और भी शक्तियाँ हैं जिनका नाम मैं लूँगा, चौमुखी कालिका जैसी शक्तियों की साधना करवाएंगे, तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए, ये कोई हलवा नहीं है, भूत प्रेत नहीं है जिसको 10 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में सिद्ध किया जा सकता है। ये माँ काली की शक्ति है। सो इस तरह से एक साधना में तो आपको प्रत्यक्ष नहीं हो पाएंगी, इसके लिए आपको लंबी साधनाएं करनी पड़ेंगी। पर हम ये आपको गारंटी देते हैं कि इस बार जिस इस कैंप में आप लोग हिस्सा लेंगे, जो भी हिस्सा लेंगे, बस उनमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनको मंत्र जाप करना आता हो। मंत्र जाप का मतलब ये नहीं कि एक माला गुरुजी हम रोज जाप करते हैं, कम से कम 50 माला कम से कम तो जाप कर ले व्यक्ति, इतना जाप करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर हो, तब ही आप उस आश्रम में, इस कैंप में, नवरात्र से प्रारंभ हो रहा है उसमें आप आइएगा, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, नहीं तो फिर आपको आने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप अपनी तैयारी करिए, आप उस संबंध में हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपनी शक्तियों का उसमें प्रयोग, हम किस किस तरह से आपको प्रयोग बताएंगे। देखिए, उसमें हम मानसिक रूप से आपकी साधना को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे, हमारा पूर्ण प्रयत्न रहेगा, और 90% की गारंटी हम देते हैं कि अगर हमारे बताए हुए राह पे हमारे गाइड, जिस तरह से हम गाइड कर रहे हैं उस तरह से आप वहाँ पे करेंगे, हमारे सानिध्यता में आप वहाँ पर मंत्र जाप करेंगे, तो ये जान लीजिए कि आपको मानसिक सिद्धि मिल जाएगी, मतलब मानसिक रूप से आपको उनका दर्शन हो जाएगा। और इसी साधना में हम आपको कि किस तरह से अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, कैसे हम किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, या किस तरह से हम षटकर्मों को, मारण को छोड़कर विद्वेषण है, उच्चाटन है, मोहन है, सम्मोहन है, जो भी क्रियाएं हैं उनको किस तरह से आपको संपादित करना है, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे वहाँ पे, उनकी विधियाँ आपको हम बता देंगे। इसके अलावा आजीवन तो हम आपके साथ हैं ही गाइड करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको भूत प्रेत जैसी कोई छोटी मोटी बाधाएं हैं किसी पे, तो किस तरह से क्या करना है, या आपकी शक्ति किस स्तर की है, उसमें क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको हम इसी कैंप में ही बताएंगे। अब चूंकि रात में मंत्र जाप होता है, आपके अंदर ये मतलब खुद से होना चाहिए कि आप दिन में गुरुजी के पास बैठें, उनसे बात करें कि गुरुजी ये कैसे होता है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होता है। तो आप नहीं पूछेंगे तो हमें क्या रखिए बताने की, हमारे मन में जो आएगा हम वही बताएंगे ना भाई। अब हम कंप्यूटर तो है नहीं कि ए से लेकर जेड तक सारे अल्फ़ाबेट्स को जो है एक बार सबको बताना है। अब हम बता रहे हैं, 4 लोग दूसरी जगह बैठ के फ़ोन से बतिया रहे हैं, तो अब उनके लिए तो हम रुकेंगे नहीं। अब वही एक कथा हो जाएगी, बांस गांव वाली कथा, कि 4 लोग बैठे थे, पंडित जी कथा कर रहे थे, तब तक दूजा ने और आया, पंडित तन फिर से, पंडित जी बेचारे फिर से कथा शुरू किए, तब तक दूजा ने और आया, अरे पंडित जी तनिके तो बीतल तन फिर से शुरू करो, तो ये शाम तक कथा होती रही। तो भाई उस तरह की कथा हम नहीं कह पाएंगे,
यह है कि आपको सारी जानकारियां मिलेंगी, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको वहां पे मिल जाएगा, किस तरह से शक्ति का संचालन करना है वो आपको मिल जाएगा। प्रमुख जो शक्तियों की साधना हम वहां पे करवाएंगे उसमें से प्रमुख है चौमुखी कालिका है, भगवान बजरंगबली का बाल स्वरूप है। ये आपको प्रमुख ये दो साधनाएं हैं जिनकी हम वहाँ साधना करवाएंगे। अगर अघोर पंथ में आप जाते हैं तो अशुभ मिस्त्रानी की भी वहाँ पे साधना करवाई जाएगी। इसके अलावा दो एक और साधनाएं हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे लेना उचित नहीं समझता हूँ, वो कुछ गुप्त ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके संबंध में आपके डिस्प्ले पे दो नंबर शो हो रहे होंगे, पहला सीताराम जी का नंबर है, आप इन संबंधों में सीताराम जी से कंसल्ट कर सकते हैं, वो वहाँ के संस्थापक हैं, सब कुछ कार्यभार वही समय पे देख रहे हैं। मैं चूंकि हमेशा इधर उधर ही रहता हूँ सो पहले आप सीताराम जी से संपर्क करें। इसके अलावा कोई प्रश्न शेष रह जाता हो, कोई मन में शंका या असंतुष्टि रह जाती हो तो मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करें, उसके बाद मैं समय दे रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर लीजिए, आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उसका निवारण हो जाएगा। तो सीधा सा आपको जो मैं समझाना चाहता था मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, फिर भी कोई अगर त्रुटि रह गई मेरे समझाने में तो व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगा, चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा जब आप एलिजिबल हों, आप इच्छुक हों, तभी आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, उसके लिए आप सीताराम जी को कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए ये आप कहेंगे रजिस्ट्रेशन क्यों, अरे भाई सिंपल सी चीज़ है, एक आश्रम जब व्यक्ति का चल रहा है वहाँ पे आप आएंगे, भोजन पानी का खर्च होता है, रहने का खर्च होता है, इसके अलावा साधना में कुछ सामग्रियाँ लगती हैं, देख रेख में रहता है, और वहाँ जो चार लोग वर्क करते हैं वो बिना पैसे के तो वर्क करेंगे नहीं ना, वो तो साधक नहीं है ना, वो तो व्यवस्था में लगे हुए हैं आपकी, तो इन चीज़ों को मैनेज करना होता है। इस कारण से कुछ एक न्यूनतम सी फीस होती है जिसकी जानकारी आपको सीताराम जी अच्छी तरह से दे देंगे, तो आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे कंसल्ट नहीं हो पाता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।